मतलब जैसे मैं परेशान रहती थी और मतलब जो पेपर में याद करके जाती थी वो नहीं हो पाता था। मैं जॉब करता हूँ, इस चक्कर में थोड़ी पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी और टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी पढ़ने का, जिस वजह से स्कूल में सरजों की भी थोड़ी सी मतलब काम पूरा होने पर सुनना पड़ता था, वो सब होते टेंशन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है इंसान, हाथ कट कर सकता है। आजकल तो फांसियां बहुत ज्यादा लगा लेते हैं बच्चे इस एज में, ना दिमाग उड़ता रहता है हवा में, वो समझ में नहीं आता ना पढ़ाई में दिमाग लगे ना घर में दिमाग लगे। हमें काउंसलिंग के बारे में हमारे स्कूल में बताया गया था और हमने हमसे पूछा गया कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप ये फॉर्म फिल करके दे सकते हैं काउंसलिंग का। हर हफ्ते मैं वहाँ जाता था तो वो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड समस्याएं मतलब सुधारने के लिए कुछ आइडिया देते थे, टिप्स देते थे कि कोई भी हमारी जो समस्या होती है उसे सॉल्व करने के लिए पहले कई अन्य तरीके जितने तरीके हो सके सॉल्व करने के वो तरीके निकालो, उन सब तरीकों में से जो सबसे बेटर तरीका हो उस पर मतलब काम करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम मान लो बातों से समझाएं तो बच्चों को मुझे लगता है उतना ना समझ में आए, तो अगर बुक के माध्यम से समझाते हैं स्टोरी के माध्यम से तो बच्चों को रियलाइज़ होता है कि हाँ कि अगर इनके साथ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ भी हो सकती है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं समस्या चुनने में और समझने में भी हेल्प मिलती है। कोई होता ना कोई चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम कोई और दूसरा नहीं बस वहीं सॉल्व होए कि कोई एक ही को पता हो, तो मैं उससे वो मैम काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि मैम कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके तो। जैसे जैसे काउंसलिंग का सेशन आता गया 3-5 सेशन तक मुझे ये अच्छा लगा कि बच्चा यहाँ पर आके जो POD तकनीक हम सिखा रहे थे उसे अब उसने सॉल्व करा और उसे सीखकर जो उसके गुस्से की प्रॉब्लम थी अब वो बहुत कम हो गए, वो बहुत अच्छा रहता है, रिलैक्स रहता है, क्लास के और लोगों से भी बात करता है और ये फीडबैक मुझे उसके क्लास टीचर ने भी दिया। अभी से अपना प्रेजेंट अच्छा करके चलेंगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही जाएगा। फ्यूचर में कोई भी समस्या आती है तो जो काउंसलिंग मुझे सिखाया गया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उन्हीं तरीकों को मैं अपनाऊंगा। ये ज़्यादा गुस्सा है तो मतलब क्या बोलते हैं उस टाइम मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, कोई अच्छे शांत जगह मतलब बैठ के ठंडा दिमाग हो जाएगा तो उसको तब पढ़ना चाहिए, ये सब अभी तक ये जो टाइम टेबल बना था ना उसके हिसाब से चल रहा हूँ तो घर भी सही है और पढ़ाई भी सही है। मेरी प्रॉब्लम तो गुस्सा और वो कंट्रोल हो चुका है।